लो मेरे घर से। खाला बात तो सुन लेना। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तुम लोगों की। सिर्फ इतनी सी मोहलत दे ले, मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? आपके अलावा मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। हरगिज नहीं, अब एक मिनट भी मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती। झूठे मक्कार कहीं के, चलो फौरन निकलो मेरे घर से, चलो। खाला आप हमें लेने तो आ गए, लेकिन क्या आप अम्मी मान गई हमारी वापसी के लिए? मुझे अब उसकी मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी औलाद को रुलते नहीं देख सकता। क्या फायदा होगा, आप अभी तो हमें यहां से ले जाएंगे फिर वापस निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं अबू, मैं ऐसे उस घर में नहीं जा सकता। अम्मी ने खुद मुझे निकाला था, अगर वो खुद मुझे बुलाएंगी तो। फजूल बातें मत करो उमैर, तुम अपनी मां को नहीं जानते। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारी मां की जिद एक इंच भी नहीं हिलती। मैं भी उन्हीं का बेटा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उस घर का सरबराह हूं, तुम्हें मेरा फैसला मानना चाहिए या अपनी मां की बेतुकी जिद। अब वो आप समझने की कोशिश कर, मैं उस घर में चोर बनकर नहीं रह सकता। और मैं अपनी औलाद को दर बदर नहीं देख सकता। वो मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं दिल का मरीज बन के रह गया। अपने बूढ़े बाप पर रहम करो यार। चलो मैं।